हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल आसान है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाटरमार्क नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कि नए यूट्यूबर हैं वो यही सोचते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए जो कि विदाउट वाटरमार्क हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और बिल्कुल आसान है। इसमें जो भी सारे भी जितने भी फंक्शन है सब लिमिटेड है, जो भी सेटिंग्स है बिल्कुल लिमिट में है। ज़्यादा कोई फंक्शन इसमें नहीं दी गई, ज़्यादा किसी प्रकार के चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि विदाउट वाटरमार्क ये सॉफ्टवेयर है। आप इसे अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई नाम नहीं आएगा। रही बात इसमें एडिटिंग की, तो एडिटिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें इसकी जो टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन भी बिल्कुल लिमिट है। जितना आपको यूज़ करना है बिल्कुल उतनी ही टाइमलाइन में इसमें जगह दी गई है। ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे दिए गए और इसमें इफ़ेक्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें, मतलब जो एक बिगिनर यानी नए यूट्यूबर को चाहिए एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो इसमें सारी इसमें मतलब उसकी उपलब्धियाँ इसमें दी गई है। तो मैं अभी आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके बारे में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिरी तक आप बिल्कुल उसे समझ लीजिए और आप अपने वीडियो एडिटिंग में इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल यूज़ कीजिए। बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इसमें किसी प्रकार का कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और ना ही इसमें ज़्यादा फंक्शंस है। आपको चलाने में बहुत आसानी होगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना है वो देखिए, यहाँ पर सेंटर पर एक सॉफ्टवेयर रखा है, इसका नाम है आइसक्रीम वीडियो एडिटर। इसे ओपन करते हैं हम और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या एडिटिंग आप कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी दिखाई देगा। यहाँ पर आप ऐड फाइल कर सकते हैं, ये ऐड कलर यानी आप किसी बैकग्राउंड पर भी काम कर सकते हैं, सिंगल बैकग्राउंड पर, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका जहाँ पर जो भी वीडियो म्यूजिक और फोटो वगैरह रहेंगे वो शो करेंगे। यहाँ से आपका सिर्फ केवल वीडियो शो करेगा, यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो, यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जब क्लिक रहेगा तो आपके सभी जो फॉर्मेट रहेंगे वीडियो, म्यूज़िक और फ़ोटो सभी शो करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अगर फाइल नेम से रखी है, और ये उनका साइज आपको किस आइकॉन साइज में चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबी ना इसलिए थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब ये रहा साइज जो कि अवेलेबल है, मतलब इन इन साइज़ के डिवाइस में आपकी वीडियो चल सकेगी बिल्कुल आसानी से। जहाँ पर लास्ट में आपको इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है। और रहा माय प्रोजेक्ट, ये वो ऑप्शन है जहाँ पर आप यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट काम करेंगे वो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी खाली है। जैसे आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो बिल्कुल आपको शो करेगा वो, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट अभी यहाँ पर थोड़ा डल है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लाएंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए ये रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर वेरी इजी टू यूज़ है, तो इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं दिएगा आपको एक्सपोर्ट करने में और सेटिंग चेंज करने में बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगी। यहाँ पर केवल लैंग्वेज दिए और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है ऑटो सेव। आप कुछ भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपका ऑटो सेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाय चांस कंप्यूटर बंद हो जाता है, बिजली चली जाती है तो आपका प्रोजेक्ट बेकार हो जाता है। तो मैंने इसे एवरी 1 मिनट में करके रखा हूँ, क्योंकि मैं बार बार चेंजेस करते रहता हूँ मेरी एडिटिंग में, मुझे और अच्छा लगा इसलिए मैं बार बार चेंज करता हूँ। तो मैंने एवरी 1 मिनट पर इसे ऑटो सेव मोड ऑन करके रखा है, तो मैं इसे ओके करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, ये रही मीडिया लाइब्रेरी और ये रही आपकी टाइमलाइन। जो भी आपका मीडिया लाइब्रेरी में ऐड होगा उसे आपको यहाँ टाइमलाइन पर चलाना है। तो चलिए हम कुछ वीडियो से स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो ले लेते हैं। तो हम हमारे वीडियोस पर चले जाते हैं। ये देखिए, मैं जब पहले DJ ऑपरेट करता था तो बहुत सारे पुराने मेरे वीडियोज़ रखे, उन्हें ऐड करके हम देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, ट्रैक एंड ड्रॉप इमेजेस हर, जो कि एक ऐसे ही बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो ऐड कर सकते हैं। देखिए, ठीक, ये आ गए हमारे वीडियो। इनकी टोटल टाइमिंग है हमारे पास 21 सेकेंड। अब इन्हें हम प्ले करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फ्रेंड्स, ये थे वीडियो। अब इनमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जनरल सेटिंग में आप जाएं तो इनकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्रेस्ट आप वीडियो का कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका स्ट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत
और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं आप। मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए वीडियो आपने बढ़ाई, वो सॉरी स्पीड बढ़ाई, तो इस तरीके का चलता है। इसके बाद आप वीडियो के जो ऑडियो बज रहा है उस पर भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम लेवल आपको कम ज़्यादा कम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रिम, आप वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, कितना काटना है कितना रखना है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि ज़रूरी ऑप्शन हमारे में होना चाहिए। क्रॉपिंग का ऑप्शन भी अच्छा है, आप यहाँ पर स्केल टू फिट रख सकते हैं स्क्रीन पर, या क्रॉप कर सकते हैं कि यार मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, जैसे कि इस लड़के को हटाना है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का लड़का खड़ा हुआ है, इसे हमें हटाना है, तो हम इसे यहाँ पर ऐसा कर देंगे। आप देखिए प्ले करके देखते हैं, इतना एरिया आपका कट हो गया, मान लीजिए इतना एरिया आपका कट हो गया, इसे वापस स्केल टू फिट करते हैं तो पूरा वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे भी डन करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर टेक्स्ट लिखने की। आप कुछ भी चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं आपकी मर्जी से, बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है, और फिल्टर्स जो कि आपको चलाने एक के चार विंटेज। देखिए तो ये चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है वीडियो पर काम करने के लिए, और सबसे अच्छी बात रही यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ये आपको फिल्टर यहाँ से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैं, और मुझे जो पसंद है रैंडम है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन चेंज होने चाहिए। हम बार बार कब तक इन्हें यूज़ करेंगे, तो मैं रैंडम डालता हूँ, तो रैंडम में आप समझ ही जाएंगे। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन उतना समझ नहीं आएगा, तो चलिए मैं आपको वीडियो में समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा वीडियो, सॉरी फोटो में समझाऊंगा, अभी वीडियो का हमारा काम हो गया, तो हम वीडियो को करते हैं डिलीट, और क्लियर टाइमलाइन यहाँ पर सवर जाएगा। अब हम बात करते हैं इमेजेस प्लस आइडियो की। तो हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं, कुछ इमेज हमने यहाँ सेलेक्ट करके रखी जो कि आपको समझाने में आसानी हो। ये हमने इमेजेस ले ली, और सॉरी ये बंद हो गया, मैं इसे वापस चालू करता हूँ। देखिए ये मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि हमारा ऑटो सेव वाला ऑप्शन इतना अच्छा है कि देखिए अभी हमारा अचानक से सॉफ्टवेयर बंद हो गया तो वापस चालू हो गया। ठीक है, इसे हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर, देखिए हमारी फ़ोटो जितनी भी है सब आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, फ़ोटो बिल्कुल साइलेंटली है, देखिए ये चेंज होती जाएगी। अब मुझे यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है, तो मैंने एक अच्छा सा म्यूज़िक, अभी तो एक टेम्प्रेरी म्यूज़िक है, इसे मैं ऐड करता हूँ अपनी फ़ोटोज़ के लिए। मैंने म्यूज़िक ऐड कर लिया है, चलिए अभी इसे मैं टाइमलाइन में ड्रैग कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कैसा लगता है। दोस्तों जो मैं रैंडम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ से आपको अब ऐड करके दिखाता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से हर फोटो के चेंज होने पर उनका जो ट्रांजेक्शन है उन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये मेरी फोटोज पे पूरा पे मैंने ट्रांजेक्शन लगा दिया है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, और आप इन ट्रांजेक्शन जैसे ये चेंज हो तो आप इन ट्रांजेक्शन पर ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सभी जगह अलग अलग ट्रांजेक्शन सेट हो रहे थे जो कि ऑटोमेटिक थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन किसी सिंगल कर लेते हैं तो बिल्कुल वो सिंगल की तरह ही काम करेगा, ये देखिए केवल इसी तरह करेगा, और आगे आप जो रखेंगे
मान लीजिए अगर ये ही रखते हैं तो भी वो एक का वही चेंज होगा, यानी कि इसमें मन से चेंज होने का कोई सिस्टम नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप रेंडम रख लेते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी यहाँ से कस्टम रख सकते हैं, जैसे फेड टू ब्लैक। देखिए हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड, तो ये सबसे अच्छा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी वीडियो एडिटिंग पर जब काम कर रहे तो हमारे पास फिल्टर्स, ट्रांजेक्शन ये सब होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इन्हें एक्सपोर्ट करने की, तो आप इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए वीडियो प्रोजेक्ट नाम रहेगा, आपको सेव टू, यहाँ पर आप फाइल इसे लोकेशन जो चाहे वो दे दें। फिलहाल मैं डेस्कटॉप रखूँगा। फॉर्मेट इसमें आपको MP3 या वेब में देना है, HD, यहाँ पर फुल HD भी दे सकते हैं आप, और क्वालिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आप चलिए इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, चलिए हम इसे ओपन करते हैं। जहाँ पर भी हमारी वीडियो जाएगी ये हमारा डायरेक्ट हमें उसी फोल्डर में ओपन करेगा, हमारे जैसे डेस्कटॉप पर है तो हमें ये डायरेक्टली वहीं रिडायरेक्ट करेगा। तो ये जैसे कि हमने करा, ये देखिए हमारा जो डेस्कटॉप है वो ओपन हुआ। आप चाहे तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर से भी ले सकते हैं, अगर आपको याद है कि आपका प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर है। तो ये रखा हुआ हमारा प्रोजेक्ट, अब हम इसे चालू करते हैं और देखते हैं कैसा चलता है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर वीडियो जो चल रहा था तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाटरमार्क नहीं है। तो यही सबसे बड़ी बात है इस सॉफ्टवेयर की कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाटरमार्क, देखिए आपको कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का वाटरमार्क नहीं देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सॉफ्टवेयर की यही है, और कई लोग नए यूट्यूबर ये चाहते हैं कि उनके वीडियो पर किसी प्रकार का वाटरमार्क नहीं आना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को क्लोज करते हैं और अपनी वीडियो पर आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी इसे यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है मैंने, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, सभी सॉफ्टवेयर को जैसा इंस्टॉलेशन होता है उस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कीजिए, अपने डेस्कटॉप पर रखिए। और जो भी अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, नॉर्मल सा काम है, तो आप बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने आपको नहीं आते, तो आप बिल्कुल इससे सीख सकते हैं आगे के सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये एक लर्निंग सॉफ्टवेयर भी आप इसे समझ सकते हैं वीडियो एडिटिंग के मामले में। तो आप इसका यूज़ कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।